देखिए आज का हमारा हेडिंग है, देखो इधर आज का हमारा हेडिंग है प्रसव और दुग्ध स्तरण। क्या है इसे कहते हैं इंग्लिश में? पार्चुरेशन। क्या कहा जाता है? पार्चुरेशन और लैक्टेशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। देखो पहला हेडिंग हमारा प्रसव। क्या है? प्रसव का मतलब होता है पार्चुरेशन। क्या होता है? देखो नवजात शिशु को, हाँ नवजात शिशु को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। देखिए मानव में सगर्भता 9 महीने की होती है। कितने महीने का? जब 9 महीने कंप्लीट हो जाता है तो बच्चा मां के गर्भ से क्या होता है, हाँ जन्मलाल के द्वारा बाहर आ जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रसव के नाम से जाना जाता है। देखिए सगर्भता के अंत तक, अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचन से, देखिए गर्भाशय मोशन करता है ना, दर्द उठता है, पेन होता है ना, जिसके कारण गर्भ क्या होता है? बाहर आ जाता है। क्या आता है? गर्भ क्या होता है? बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर आने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रसव कहा जाता है। क्या कहता है? कहेंगे कितना गर्मी लगता है तुमको, शांत रहो ना। देखो क्या कहते हैं, देखो प्रसव क्या होता है तो क्या कहेंगे? नवजात शिशु को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। क्या कहलाता है? इंग्लिश में क्या कहलाता है? पार्चुरेशन। द प्रोसेस ऑफ गिविंग ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। जिस प्रक्रिया के द्वारा या जिस विधि के द्वारा नवजात शिशु का जन्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव कहा जाता है। लिखे प्रसव क्या होता है, हेडिंग दीजिए, मेन हेडिंग दीजिएगा प्रसव और दुग्ध स्तरण। देखिए प्रसव का मतलब होता है पार्चुरेशन और दुग्ध स्तरण का मतलब क्या होता है? लैक्टेशन। क्या होता है? लैक्टेशन। तो सगर्भता के अंत में गर्भाशय में के जोरदार संकुचन के कारण गर्भ क्या होता है? बाहर आ जाता है। गर्भ के बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रसव के नाम से जाना जाता है। हाँ प्रसव। अब देखिए फिर आता है उच्छेपन प्रतिवर्त या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या होता है? देखिए जब सगर्भता कंप्लीट हो गया 9 महीना तब बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया समय आएगा, और जब बच्चा बाहर आएगा तो उस टाइम दर्द उठता है। क्या आता है? हाँ दर्द, पेन होता है ना। तो जब वो पेन होता है, देखिए तो प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरास्य उत्पन्न होता है जो धीरे धीरे गर्भाशय को संकुचित को क्या करता है? देखिए पहले थोड़ा दर्द उठेगा हल्का हल्का, धीरे धीरे दर्द क्या हो जाता है? बढ़ने लगता, तेज हो जाता है। और जैसे ही दर्द तेज होगा तो धीरे धीरे क्या होता है? डिलीवरी की प्रक्रिया हाँ बाहर आ जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? उच्छेदन प्रतिवर्त के नाम से जाना जाता है या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उच्छेदन प्रतिवर्त के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे? देखिए धीरे धीरे दर्द क्या होता है? बढ़ता है, यानी गर्भाशय संकुचित होता है। क्या होता है? ताकि बच्चा क्या हो जाए, शरीर से बाहर आए। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? उच्छेदन प्रतिवर्त के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या कहेंगे? प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ, जैसे ही गर्भ क्या सगर्भता कंप्लीट हो गया, 9 महीना हो गया, तो 9 महीना जैसे 270 दिन कंप्लीट हो गया, तो प्रसव का समय आएगा। और जब प्रसव का समय आएगा तो हल्का हल्का दर्द होता है, वो दर्द धीरे धीरे क्या होता चला जाता है? बढ़ता जाता है। तो जैसे ही होगा तो गर्भाशय क्या होता है? संकुचित होता, सिकुड़ता है, ताकि बच्चा शरीर से क्या हो जाए, बाहर आ जाए। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? उच्छेपन प्रतिवर्त के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसी में काम करता है, मातृ पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटॉक्सिन निकलता है जो गर्भाशय को संकुचन को क्या कर देता है। और जैसे इस सगर्भता कंप्लीट हुआ तो पीयूष ग्रंथि यहां एक्टिव होता है और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ऑक्सीटॉक्सिन। तो पूछ देगा कि प्रसव की प्रक्रिया में हाँ एक ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो उपयोगी होता है, जो गर्भाशय प्रसव में सहायता प्रदान करता है, तो क्या कह देंगे? ऑक्सीटॉक्सिन। देखिए जब किसी किसी व्यक्ति को टाइम क्या हो गया, पूरा हो गया पर दर्द नहीं उठा, हाँ बेबी उस पर डिलीवरी नहीं हो रहा, तो डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन लगाएगा? ऑक्सीटॉक्सिन को, यानी तो पानी के रूप में चढ़ा देता है। तो देखिए जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है और डॉक्टर के पास भर्ती होता है ना, तो उसमें प्रचुर मात्रा में पानी चढ़ाया जाता है, उस पानी में क्या दिया जाता है? ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है, ताकि उसमें हार्मोन का लेवल बढ़े और डिलीवरी क्या हो जाए, नॉर्मल हो। देखो अभी का डॉक्टर क्या करता है, क्योंकि देखो अब पैसा लोगों के पास हो गया, लोग जागरूक हो गए मेडिकल के प्रति, टाइम टू टाइम क्या करता है? 3-3 महीना पे चेकअप करवाता रहता है डॉक्टर से बच्चे का, कि बच्चे में किसी प्रकार कोई बीमारी है या नहीं, हाँ बच्चा सही से डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब 3 महीना पर जांच करवाया, अब देखो एक होता है नॉर्मल डिलीवरी, एक होता है सीजर। क्या होता है? नॉर्मल डिलीवरी, एक होता है सीजर। सीजर का मतलब हो गया ऑपरेशन के द्वारा, किसके द्वारा? तो डॉक्टर क्या किया, टेबलेट दिया सब कुछ का, एक उसमें बरका वाला टेबलेट ऑक्सीटॉक्सिन का भी डाल दिया, इसके शरीर में ऑक्सीटॉक्सिन लेवल क्या हो जाए, नहीं कम हो जाए, क्या हो जाए,
जैसे ऑक्सीटॉक्सिन का लेवल कमेगा तब बच्चा डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसको प्रेरित कौन करेगा, ऑक्सीटॉक्सिन करेगा। जैसे ऑक्सीटॉक्सिन का लेवल गिराया डॉक्टर, तब बोलेगा ऑपरेशन करवाइए, आप क्या करवाइए, ऑपरेशन करवाइए। हाँ, जैसे ही ऑपरेशन करवाने के लिए गए तो 1,00,000 का बिल बना दे, नहीं तो बहुत रेयर केस में 80,000 है तो 70,000 रुपया ऑपरेशन में लगा ही देता है। अगर बाहर का हॉस्पिटल है, कौन बढ़िया हॉस्पिटल है, इधर तक का बिल बना देगा। नॉर्मल डिलीवरी में 5 से 10,000, कोनो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो 5 से कितना है। देखो अभी डिलीवरी के लिए सबसे अच्छा जगह है गवर्नमेंट अथॉरिटी हॉस्पिटल, क्या है, हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा, धीरे धीरे हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। हाँ देखिए, बड़ा बड़ा परिवार का भी बच्चा कहाँ होता है, अब सरकारी में होता है, किसके डर से, वही सीजर के डर से, क्योंकि प्राइवेट वाला जल्दी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराता है, तुरंत कह देगा या तो आधा घंटा नहीं, आधा घंटा रोकिएगा तो या तो माँ मर जाएगा या तो बच्चा मर जाएगा, आ दोनों का रिक्साम नहीं लेगा, तैयो नहीं मानेंगे तो बोलेगा पेट में बच्चा लैटिंग कर दिया है। हाँ, आधा घंटा जल्दी डिसीजन लेके बताइए क्या करना है, हाँ नहीं तो हम इसका रिक्स उधराएगा पहले, जहां डर है वहां पैसा है। सरकारी में ऐसा जल्दी नहीं करता है, बहुत रेयर, जब नहीं होने वाला रहता है ना नॉर्मल डिलीवरी तो ही जाकर रेयर केस में ऑपरेशन को लिखता है, नहीं तो नहीं लिखता है, क्योंकि वो ऑपरेशन भी करेगा तो भी उसको पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, खर्च क्या आएगा उसमें, ज्यादा आएगा, टाइम क्या लगेगा, तो जाता रहता है कि नॉर्मल किसी भी प्रावस्था में नॉर्मल डिलीवरी ही हो, है कि ना। नॉर्मल डिलीवरी ही क्या होता, अच्छा होता है, जैसे 2-3 बार सीजर हो गया तो तीसरा और मामा उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो देखिए, तो यही हार्मोन क्या करता है, नॉर्मल डिलीवरी में सहायता प्रदान करता है। तो पूछ दे कि ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो प्रसव की प्रक्रिया में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, तो क्या कहेंगे, ऑक्सीटॉक्सिन। किस ग्रंथि से निकलता है, तो मातृ पीयूष ग्रंथि से। अब देखिए, प्रसव हुआ, बच्चा बाहर आ गया, नहीं कलयुग में उसका अवतार हो गया, आ गया वो अपनी दुनिया में, बाहर आया, तो यहां तक तो बाहर आया, उसके बाद होता है दुग्ध स्तरण, क्या होता है, इसे कहते हैं लैक्टेशन। क्या होता है, देखिए सगर्ता के अंत तक, जैसे ही सगर्ता प्रेगनेंसी खत्म हुआ, क्या हुआ, बच्चा शरीर से क्या हुआ, बाहर आया, तो स्तन ग्रंथि में दूध उत्पन्न होने लगता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दुग्ध स्तरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो माता के स्तन ग्रंथि में क्या आता है, दूध आना शुरू हो जाता है, तो दूध आने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, दुग्ध स्तरण या लैक्टेशन के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे, जब नवजात शिशु का जन्म होता है उसके पश्चात ही माता के स्तन ग्रंथि में दूध आने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो माता के स्तन ग्रंथि में दूध आने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, दुग्ध स्तरण या लैक्टेशन के नाम से जाना जाएगा, क्या कहलाएगा, दुग्ध। अब देखो, अभी की जो माताएं होती हैं अपने बच्चों को क्या करता है, दूध कम पिलाता है, क्या पिलाता है, दूध कम पिलाया, और दूध पिला रहा है उसका ध्यान, हाँ तो कभी रील्स देख रही है तो कभी कहीं बैठे हुए है। पहले की जो माताएं जब अपने बच्चों को स्तनपान कर देती, उसे ढक लेती थी, क्या, और अकेले में दूध पिलाती थी, ताकि उसका पूरा जो कंसंट्रेशन रहे किस पर रहे, दूध पिलाने वाला बच्चे पर रहे, ताकि प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करें, सही से वर्क कर सके, और दूध का स्त्राव क्या हो, हाँ स्तन ग्रंथि में अत्यधिक हो सके, आप बच्चे को पूर्ण पोषण मिल सके। उसके बाद आता है खीस, क्या आता है, देखिए दुग्ध स्तरण के शुरुआती दिनों तक जो दूध निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, खीस कहते हैं, इंग्लिश में से कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है, मतलब बच्चा, देखिए गाय भैंस जब होता, जब बच्चे को जन्म या बछड़ा या बछड़े का जन्म देता है, देखिएगा 2 से 4 दिन तक जो दूध आता है ना, बहुत ज्यादा मोटा रहता है, हाँ उसको क्या कहते हैं, लोकल भाषा में खिरसा कहा जाता है, क्या कहता है, उसमें एंटीजींस और एनर्जी की मात्रा क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो उसे इंग्लिश में क्या कहता है, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, जब कोई माँ किसी नवजात शिशु को जन्म देती है तो 2 से 4 दिनों तक जो गाढ़ा दूध निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, खीस कहते हैं। खीस में एंटीजन क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। इस देखिए गांव में क्या करता है, जो पहला दूध आया ना माँ का, उसको निकाल कर फेंक दिया, क्या कर दिया था, निकाल करके फेंक दिया, क्योंकि उसमें एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है, रोग प्रतिरोधक तंत्र अधिक होता है, जिस कारण बच्चे को पिलाया, कभी कभी बच्चे को बुखार आ गया, हाँ, या कभी बच्चा हल्का सा बीमार या पेट खराब हो जाता है, उसी के डर से क्या करता है, दूध को निकाल करके फेंक दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो जो पहला खीस या पहला दूध होता है बच्चे को पिलाना ही चाहिए, ताकि उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो सके, विकसित हो सके, विभिन्न प्रकार के एंटीजन का क्या हो सके, निर्माण हो सके। तो पूछे खीस क्या है, क्या कहेंगे, दुग्ध स्तरण के शुरुआती दिनों तक 2 से 3 दिनों जो मोटा गाढ़ा दूध निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, खीस या कोलेस्ट्रॉम के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला हेडिंग हमारा स्तनपान, स्तनपान को कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, क्या कहता है, ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए तो पहले तो क्या हुआ, प्रसव की प्रक्रिया हुआ, प्रसव का मतलब नवजात शिशु को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाया,
प्रसव कहलाया, जिस पर ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन क्या किया, वर्क किया और गर्भ क्या हो गया, बच्चा शरीर से बाहर आ गया। उसके बाद आया दुग्ध स्तरण, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो मां के स्तन में क्या आना, आया दूध आना शुरू हो गया, किस हार्मोन के कारण, प्रोलैक्टिन के कारण। अब जब बच्चा को भूख लगेगा, हाँ जैसे आएगा तो माँ उसे दूध पिलाएगी ना बाहर, तो उसे क्या कहते हैं, स्तनपान कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, स्तनपान, या कहा जाता है ब्रेस्ट फीडिंग। क्या कहा जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग। फीडिंग का मतलब होता है खिलाना, ब्रेस्ट का मतलब होता है स्तन के द्वारा, या स्तनपान। तो क्या कहेंगे, नवजात शिशु को हाँ माँ के द्वारा दूध पिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्तनपान के अंत। क्या कहते हैं, देखिए जो नवजात शिशु का जन्म हुआ और जब जन्म हुआ तो माँ उसे दूध पिलाएगी ना, तो जब माँ उसे दूध पिलाएगी तो प्रक्रिया क्या कहलाएगा, स्तनपान कहलाएगा। क्या कहेंगे, देखिए माँ के द्वारा नवजात शिशु को दूध पिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्तनपान, या ब्रेस्ट फीडिंग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए माँ का दूध बच्चों के लिए क्या होता है, सर्वोत्तम आहार होता है। क्या होता है, सर्वोत्तम आदि। किसी भी परिस्थिति में कोशिश यही रहना चाहिए कि बच्चा माँ का दूध ही पिए। हाँ वो फिल्टर होता है, किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस उसमें लगा हुआ नहीं होता है, किसी भी प्रकार का जीवाणु उसमें मौजूद नहीं होता। और जितना टेम्परेचर पे बच्चा को दूध चाहिए उतना टेम्परेचर माँ का दूध क्या होता है, मेंटेन होता है। अगर हम आप बाहर से गर्म करके देते हैं तो उतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा, पर जो माँ का जो दूध होता है वो क्या होता है, जितना बच्चा के लिए सुटेबल है उतना ही क्या होता है वो, हाँ उतना ही टेम्परेचर मेंटेन करके देता है। किसी भी प्रकार का उसमें बैक्टीरिया वायरस ये सब नहीं पाया जाएगा, किसी भी प्रकार का मिलावट उसमें नहीं होता है। इसी कारण किसी भी बच्चे के लिए माँ का दूध क्या होता है, सर्वोत्तम आहार माना जाता है। हाँ तो स्तनपान क्या है, या ब्रेस्ट फीडिंग किसे कहते हैं, तो नवजात शिशु को हाँ दूध पिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, हाँ तो उसी कारण प्रोलैक्टिन हार्मोन उसमें रिलीज नहीं होता है, ठीक है, जिस कारण उसमें क्या होता है, दूध नहीं आता है। तो बाहर से वो लैक्टोजन 1 लैक्टोजन 2 यही सब ना खिलाता है, 3 ये सब क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है बच्चे के लिए, वेल उसका दिमाग ज्यादा विकसित नहीं हो पाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, स्तनपान के नाम से जाना जाता है। हाँ अभी पढ़ाएंगे, रुकिए भाई बहुत टाइम है। रुको वीडियो दिखा देते हैं, इसमें पार्चुरेशन क्या होता है अभी देख लो ना, छोटा वाला दिखा देते हैं। नवीन सर 1 मास्टर सर हट जाइए 2 During the vaginal childbirth, the first stage of labor lasts about 12 to 19 hours. It starts when your baby settles low into your pelvis. During the vaginal childbirth, the first stage of देखो ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसे हिंदी में पढ़ाए थे अपरा, क्या पढ़ाए थे अपरा पढ़ाए थे, जो बच्चों को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान कराता है। इसी के द्वारा बच्चा उत्सर्जन की प्रक्रिया को भी क्या करता है, पूर्ण करता है, सांस भी इसी की सहायता से लेता है। अब देखिए ये 9 मंथ का कंप्लीट बेबी है, क्या है इसका, क्या हो गया 9th मंथ ये कंप्लीट हो गया, इसे कहते हैं बर्थ कैनाल। क्या कहा जाता है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये सॉरी ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, अब देखो जब क्या हुआ, 9 मंथ कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, तो देखिए तो गर्भाशय संकुचित होना शुरू होगा, क्या होगा, गर्भाशय की प्रक्रिया क्या होगा, संकुचित यानी दर्द होना इसमें क्या होता है, शुरू होता है। And lower back pain, cramping that doesn't go away. You may see a brownish or reddish. देखो तो क्या हुआ, तो ये क्या होता है, लिक्विड छोड़ता है, पहले क्या आएगा, लिक्विड द्रवण, पानी आना क्या होता है,
शुरू होता है। ये सब चीज अपनी माँ से भी आप आसानी से पूछ सकते हो, आसानी से बता देंगे। देखिए इसमें क्या होता है, लिक्विड क्या हुआ, आटा लिक्विड आया इससे, जैसे लिक्विड निकला था धीरे धीरे, ऐसा नहीं करो ना, देखो अब देखो क्या है, लिक्विड निकल रहा है, देखो क्या हो रहा है, देखो स्ट्रॉन्ग रेगुलर कंट्रैक्शन, मतलब गर्भाशय काफी तेजी से क्या होगा, संकुचित होगा, वाटर बिंग पानी की मात्रा निकलना क्या होगा, शुरू होगा, और म्यूकस प्लग, म्यूकस भी क्या होता है, धीरे धीरे रिलीज होता है कि क्या करे। अब देखो जैसे यहाँ आया, अब कब क्या है, कंप्लीट है, 9 मंथ से कंप्लीट हो गया इसका, देखो तो सर्विकल ओपनिंग की तरह क्या होता है, आना शुरू हो जाता है। अब देखो किसी किसी केस में क्या होता है कि पांव इस साइड आ गया, तो उस डिलीवरी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उसमें सीजर करवाना पड़ता है, दिक्कत होता है। नहीं तो ये देखिए ये बड़ा हो गया, सिर हमेशा क्या रहता है, हाँ बर्थ कैनाल की ओर होता है, तो पहले जब भी बच्चा जन्म लेता है पहले क्या आता है, सिर बाहर आता है। तो देखिए तो यही प्रक्रिया देखो कि क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे क्या आएगा, बाहर आएगा, तब नवजात शिशु को मां के गर्भ से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रसव। देखो ये फैला, बर्थ कैनाल फैल रहा है, अब देखो धीरे धीरे क्या आएगा, ये शरीर से बाहर आ जाएगा, तब मां के गर्भ से शरीर के बाहर, देखिए ये है क्रोइंग फिटल, तो पहले सर बाहर आता है, क्या पहले क्या आया, सर बाहर आएगा, कोई भी जो बच्चा होगा ना, तो पहले क्या आता है, सर बाहर आता है। इन केस कभी कभी बच्चा मोटा ही हेल्दी होता है, यहाँ पर सीजर कर दिया जाता है, क्या करेगा, ये अपर हल्का टका लगा दिया ऊपर, इन केस में देखिए, अब देखिए इसका बोन कंबाइन नहीं होता, तो बोन अटैच ऐसे होता है, हाँ इस जब देखिए नवजात शिशु में हड्डी की संख्या कितनी होती है, 306 कितना होता है, धीरे धीरे डेवलप करेगा जो, हाँ अब देखिए ये क्या आया, बाहर आया, हाँ तो बर्थ कैनाल, देखिए बर्थ कैनाल का मतलब होता है जिस कैनाल से बच्चा क्या आता है, बाहर आता है। अब देखिए धीरे धीरे क्या आ गया, शरीर से ये बाहर आ गया, आज सिर पकड़े डॉक्टर क्या होगा, इसको बाहर निकाल लेगा, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। देखिए आ गया, अब देखिए ये अपरा है, ये क्या है, अपरा है, ये वाला पार्ट पूरा इसी से बच्चा जुड़ा रहता है, अब इसको काट कर दिया, बांध देगा, हाँ यही क्या बन जाएगा, नाभि बन जाता है। तो देखो जब तक माँ के गर्भ में था तब तक उसे पोषण कौन प्रदान कराया, अपरा प्रदान किया, अब ब्रेस्ट फीडिंग करके क्या करेगा, वो अपना पोषण प्रोवाइड कराएगा, समझ गया इतना।